हाय बच्चों, गुड आफ्टरनून। सब कैसे हो? हाँ तो बच्चों, हमने पिछली तासिका में कौन सा पार्ट देखा था? लूसी और उसके बच्चे पिल्ले, बराबर है ना? लूसी और उसके पिल्ले। तो बच्चों, हमने ये पार्ट पूरा देखा था। उसके बाद इस पार्ट का हमने स्वाध्याय भी देखा हुआ है, ठीक है ना? तो बच्चों, स्वाध्याय देखते वक्त हमने सही या गलत निशान लगाओ यहीं तक देखा था। जो आगे कुछ बचा हुआ है वो आज की तासिका में हम देखने वाले हैं। तो बच्चों, अपने अपने टेस्ट बुक निकालो, CWP निकालो, जल्दी से निकालो। निकालो बच्चों, वेरी गुड। तो बच्चों, हमने इस दशिका में सही या गलत निशान लगाओ यहीं तक स्वाध्याय देख रहा था। हाँ तो बच्चों, अभी हम भाषाज्ञान मतलब संयुक्ताक्षर जो है उसका मतलब जानने वाले हैं। हाँ, पेज नंबर 59 निकालो, निकाला? हाँ तो बच्चों, पेज नंबर 59 पर देखो, यहाँ पर बच्चों भाषाज्ञान, हाँ क्या यहाँ पर लिखा है? संयुक्ताक्षर। हाँ तो बच्चों, कौन बता सकता है मुझे संयुक्ताक्षर का मतलब? पीछे इसको मालूम है, संयुक्ताक्षर आपने बहुत बार लिखा हुआ है। देखो CW में क्वेश्चन आंसर लिखते हुए आपने बहुत बार इस संयुक्ताक्षर का इस्तेमाल उपयोग किया हुआ नहीं मालूम? ठीक है, तो बच्चों मैंने बोर्ड पे यहाँ पे लिख दिया है। हाँ देखो बच्चों, संयुक्ताक्षर जब किसी अक्षर में कोई आधा अक्षर मिलता है तब संयुक्त अक्षर बनता है। क्या बच्चों देखो, जब किसी अक्षर में कोई आधा अक्षर मिलता है तब संयुक्त अक्षर बनता है। जैसे कि बच्चों देखो, यहाँ पे क्या है? छ, छ, छ एक अक्षर है। हाँ तो इस संयुक्त अक्षर से बनता है मच्छर। क्या बनता है? मच्छर। जब किसी अक्षर में कोई आधा अक्षर मिलता है तब संयुक्त अक्षर बनता है। तो बच्चों, मैंने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो अपने CW नोट में लिख लिया। हाँ अभी अभी इधर से लिखो, हाँ ऊपर लिखो संयुक्त अक्षर और जिसका डेफिनेशन है वहां पे लिख लो, इधर से लिख लो। क्या है देखो बच्चों, जब किसी अक्षर में कोई आधा अक्षर मिलता है तब संयुक्त अक्षर बनता है। लिखो झट से। लिख लिया? हाँ तो अभी मैं रन करने वाला हूं। नहीं लिखा है वो बाद में वीडियो का पॉज करके बाद में देख लेना। हाँ जो मैं लव कर रहा हूँ, तो बच्चों आज हम संयुक्त अक्षर के कुछ शब्द हैं, अक्षर हैं यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, पढ़ो और समझो। तो हमें ये CW रूप में लिखना है। यो कैसे बनते देखो संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर किस प्रकार बनते हैं हम आज हम देखने वाले। देखो बच्चों, पहला है क्या है पाठ्यपुस्तक में? बिस्तर है। बी लिखा है, थोड़ा ज्ञात है यहाँ पे स्तर लिखा है, फिर जगह छोड़ गए यहाँ पे फिर रह लिखा है। दूसरा है बच्चों देखो, पिल्ले हैं, पी लिखा है, थोड़ा गया
थर्ड है बच्चों क्या है आधा सर फिर पूर्ण फिर यह चौथा है बच्चों नू आधा न और पूरा नू पांचवा बच्चों नी आलर च रच और य और लास्ट में बच्चों छठा दो दो है स है हाँ और तो है देखो बच्चों अभी हम संयुक्त अक्षर कैसे बनते हैं वो हम देखने वाले हैं देखो बच्चों संयुक्त अक्षर लिखा है यहाँ पे बी स र तो बच्चों यहाँ पे संयुक्त अक्षर कौन सा होगा ये होगा ना बच्चों देखो यहाँ से मिला के लिखेंगे हाँ हम इस तो को इस अक्षर में मिला कर लेंगे देखो क्या बनता है देखो बच्चों पूरा वाक्य पूरा अक्षर क्या बनता है बच्चों बिस्तर बराबर ना बी स्तर अभी पूरा वाक्य बन गया हाँ पूरा शब्द बन गया अभी देखो यहाँ पे क्या है पी थोड़ा स्पेस है ल है फिर ले है तो इससे क्या बनेगा बच्चों कौन बन सकता है हाँ पीछे पिल्ले वेरी गुड यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों पिल्ले हाँ थर्ड में देखो बच्चों क्या है स है इसके बाद उ है यहाँ पे ल है तो क्या शब्द बनेगा बच्चों क्या अक्षर बनेगा बराबर तो हम लिखेंगे स्कूल क्या लिखेंगे स्कूल और चौथा में देखो मुंह है ल है नू है तो क्या आपको कौन सा अक्षर बनेगा कौन सा शब्द बनेगा मुन्नू वेरी गुड यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिखेंगे मुन्नू पांचवा प्रयोग देखो बच्चों नी श है च है य है तो क्या बनेगा बच्चों हाँ बराबर निचर तो हम लिखेंगे यहाँ पे निचर हाँ देखो बच्चों यहाँ पे क्या है दो है स है हाँ ये स है बच्चों स है और त है कौन सा शब्द बनेगा हाँ दोस्त यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्त सही कर सकते देखो बच्चों बिस्तर बिस्तर बना पिल्ले स्कूल मुन्नू पीछे और दोस्त तो देखो बच्चों जब किसी अक्षर में कोई आधा अक्षर मिलता है देखो बच्चों जब किसी अक्षर में ये आधा अक्षर मिलता है तो उस तब संयुक्त अक्षर बनता है फिर से देखो बच्चों जब किसी अक्षर में आधा अक्षर मिलता है तब संयुक्त अक्षर बनता है तो देखो बच्चों आधा अक्षर इसमें मिला दिया बिस्तर हो गया ये आधा अक्षर इसमें मिला दिया बिल्ली बन गया ये आधा अक्षर इसमें मिलाया स्कूल बन गया इसमें ये आधा अक्षर मिला दिया तो मुन्नू बन गया हां इसमें ये दो श और च आधा अक्षर मिला दिया तो निचे बन गया तो बच्चों यहाँ भी देखो स ये आधा अक्षर है तो इसमें किस अक्षर में मिला दिया तो दोष ये पूरा शब्द बन गया सर मैं बच्चों क्या है बच्चों हाँ अभी मुझे बताओ बच्चों संयुक्त अक्षर का मीनिंग क्या है हाँ मुझे बताओ विराज बताओ संयुक्त अक्षर का मतलब क्या है बराबर जब किसी अक्षर में कोई आधा अक्षर मिलता है तब संयुक्त अक्षर बनता है हाँ समझ में आया बच्चों
तो बच्चों छत से निकलो, सीढ़ी तोड़ के निकला है, सीढ़ी तोड़ के निकला है। छत से निकलो, बिस्तर। इसमें बच्चों आगा शब्द कौन सा है? स्त, ल, स, न, श, च और यहाँ पे स। जब किसी अक्षर में आधा अक्षर मिलता है तो संयुक्त अक्षर बनता है। हो गया बच्चों? हाँ, अभी हम इस पाठ में से और उसके पीले इस पाठ में से कुछ संयुक्त अक्षर देखने वाले। कौन कौन से संयुक्त अक्षर है आप मुझे बताना, मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगा। ठीक है बच्चों? जिनका नहीं हुआ है वो वीडियो पॉज करके बाद में लिखो। ओके, ठीक है। अभी हम इस पार्ट में से जो संयुक्त अक्षर है वो हम देखने वाले हैं। हाँ, तो कौन कौन बता सकता है? पहला कौन बताएगा संयुक्त अक्षर? कौन बताएगा? हाँ बताओ। जल्दी से बताओ। हाँ मैं बताऊंगा बच्चों, यहाँ पे सूत्र कौन सा है? यहाँ पे टू है, न है, आधा न और हे। दूसरा कौन सा है? कौन सकता है? बराबर है क्या? मैं आपको आज से टी बताऊंगा। हाँ तो बच्चों बच्चों मुझे इस आधे अक्षर में ये सदस्य का मतलब क्या है तुम बताएगा? जब किसी अक्षर में आधा अक्षर मिलता है तब संयुक्त अक्षर बनता है। तो बच्चों इस अक्षर में या आधा अक्षर मिलने के बाद कौन सा शब्द बनता है तो बताएगा? पीछे उभयश्री कौन सा? ने। बराबर, तो मैं यहां पे लिखूंगा ने। हाँ, दूसरा शब्द देखो बच्चों, यहाँ पे अक्षर है इसमें ये जो आधा अक्षर मिलने के बाद कौन सा शब्द बनता है? ध्यान दो, बताओ कौन सा? हल्के। वेरी गुड, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हल्के। और तीसरा है बच्चों, बच्चों। हाँ, ब आधा अक्षर च है, पिच्चो है। अने बताओ कौन सा शब्द बनेगा? वेरी गुड, बच्चों। इजी है ना बच्चों? बन गया हमारा संयुक्त अक्षर। जब किसी अक्षर में आधा अक्षर मिलाया जाता है तब संयुक्त अक्षर बनता है। तो बच्चों इस अक्षर में हमने ये आधा अक्षर मिलाया है, ये वाला बराबर है, ये आधा अक्षर हमने मिलाया है तो पूरा अक्षर बनता है बच्चों। जो क्या होता है उन्हें हल्के और बच्चों। ठीक है बच्चों, हो गया समझ में आया? हाँ, अभी आपके लिए आज का होमवर्क क्या होगा ये भी मैं बता दूंगा। आज
का होमवर्क क्या होगा आज वो भी बताने वाला हूँ। इससे जाने से पहले HW देने से पहले फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ संयुक्त अक्षर का मतलब क्या है। हाँ ये तो बच्चों जब किसी अक्षर में कोई आधा अक्षर मिलाया जाता है तब उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। हाँ मैंने आपको संयुक्त अक्षर का मतलब सुनाया, हाँ बताया, कुछ एग्जांपल दे, कुछ उदाहरण दे, हाँ दिए हैं। हाँ अभी आज का अपना आपका HW क्या है मालूम है? इस दूसरी और इसके पिल्ले इस पार्ट में से जितने भी संयुक्त अक्षर हैं, जितने भी संयुक्त अक्षर हैं वो उसमें से आपको 10 केवल 10 संयुक्त अक्षर आपको HW में लिखने हैं। ध्यान में आया? लिख सकोगे ना? इस तरह नहीं लिखना है बच्चों, सिर्फ आपको जो जितने भी संयुक्त अक्षर हैं 10 केवल 10 आपको लिखने हैं। लिख सकोगे? वेरी गुड, हमारे बच्चे बहुत होशियार है। हाँ ठीक है, तो बच्चों आपका आपका होमवर्क क्या है नीचे बताओ, होमवर्क क्या है आपका आज का? हाँ बताओ, आंसर बताओ। हाँ आज का आपका HW क्या है मालूम है? लूसी और उसके पिल्ले इस पार्ट में से आपको संयुक्त अक्षर लिखने हैं। कितने? 10, केवल 10। ठीक है, वो लिख के मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेज दे। ओके बच्चों, ठीक है, तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकने वाले हैं। हाँ घर में रहो, सुरक्षित रहो और हर रोज सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहो। ओके बच्चों, टेक केयर एंड बाय।